तो भाई अगर आप भी जो ये डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा वन प्लस का जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं और यूट्यूब वीडियो और भी जो है बहुत ज़्यादा आप जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो क्या होता है कि यूट्यूब में जो वीडियो आप देख रहे हैं सो उसमें बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे नेट एमबी ले लेता है। सो आप कैसे जो है नेट एमबी को बचा सकते हैं वो सेटिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर देखना, उसमें ये बताया था कि बैटरी बहुत ज़्यादा अगर ड्रेन हो रहा है अपने यूट्यूब पे सो उस पर बैटरी को कैसे आप जो है सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल बताने वाला हूँ कि डाटा कैसे आप सेव कर सकते हैं। आइए एक एक करके पूरा चीज को सीखे। सो गाइस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फोन का जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब। जैसे आप जो है यूट्यूब करके सर्च करेंगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, बस अपडेट पे आपको क्लिक कर लेना है। ये गाइस कंपलसरी रहता है क्योंकि ओल्ड वर्जन जो रहता है उसमें ज्यादा जो है नेट एमबी ले रहा है और जैसे अपडेट कर लेते हैं सो वो स्मूथली जो है चलने लगता है। सो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपडेट आपको जरूर कर लेना चाहिए। ओके, अपडेट कर लोगे तो स्मूथली चलेगा एंड जो इसमें जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा था अटकने का या फिर लैगिंग का वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट जरूर कर लेना है, ये कंपलसरी है। सो गाइस, आगे में वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर आप भी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, वीडियो को लाइक तो आपको जरूर करना है एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना है। इससे क्या होगा, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपडेट कर लेना है। अब अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, बस ओपन पे क्लिक कर लेना है और जो यूट्यूब को आपको ओपन कर लेना है इस तरह से। अब ऊपर की ओर जो आपका लोगो जो है देखने को मिलेगा, बस लोगो पे क्लिक करना है इस तरह से आएगा। नीचे की ओर देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, बस आपको क्या करना है, इसी पे आना है, क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं ऊपर की ओर, फर्स्ट में आपको जो है देख सकते हैं जनरल देखने को मिल रहा है, डाटा सेविंग, ऑटो प्ले, सो यहाँ पे काफी कुछ आपको जो है देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अलग अलग सेटिंग है, ये सब के बारे में ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो दे भी चुका हूँ, उसे जरूर देख लेना। फिलहाल यहाँ पे सीखेंगे डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे डाटा सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं इस पे आना है, क्लिक कर लेना है। अब जो है आपके फोन में इस तरह से आएगा, सिर्फ यही सेटिंग नहीं इसके अलावा भी कुछ सेटिंग जो रहता है वो करना होता है तभी आप जो है नेट एमबी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। सो सिर्फ आपको यही सेटिंग करके हट नहीं जाना है, पूरा वीडियो को देखना है। सो आपको क्या करना है, इसे आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन कर लोगे सो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, रिड्यूस स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी। आपके फोन में अगर इस तरह से ऑफ रहे तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको टिक करके ये सब को आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे ऑन कर देंगे नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर ऑप्शन आपको दो ऑप्शन और भी यहाँ पे देखने को मिला है, सिलेक्ट क्वालिटी फॉर एवरी वीडियो इस तरह से आना है, क्लिक कर लेना है और नीचे के मोबाइल डाटा यूजिंग रिमाइंडर, ये क्या होगा कि अब जो है कितना डाटा यूज किए नहीं किए वो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट करके जो कर सकते हैं कि 100 MB यूज हो गया, 200 MB यूज हो गया, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, यहाँ से वो कर सकते हैं। फिलहाल आपको इस तरह से कर देना है, यहाँ पे ये सब सेटिंग आपको कर लेना है। सो यहाँ पे यूट्यूब का जो रहता है ये सब सेटिंग आपको टर्न ऑन कर देना है। अब यहाँ से बैक आना है, अब दूसरा आपको देखने को मिला है वीडियो क्वालिटी प्रीफरेंस, देख सकते हैं आपको क्या करना है, बस इसी पे ऑटो प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइस उससे पहले आपको ऑटो प्ले पे आना है, यहाँ पे देखने को मिले, देख सकते हैं आपके डिवाइस में इस तरह से रहे, सो आपको क्या करना है, इस तरह से ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि ऑटो प्ले नहीं होगा, यानी क्या होता है कि एक वीडियो आप जैसे ही देख लेते हैं दूसरा वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। सो इस हाल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नेट एमबी आपका जो है यूज हो रहा है जैसे वीडियो प्ले करके छोड़ देते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ऑफ करके रखना है। इससे क्या होगा कि नेट एमबी बचेगा एंड आपके परमिशन के हिसाब से ही दूसरा वीडियो प्ले होगा। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो है तीसरा आपको देखने को मिला है वीडियो क्वालिटी प्रीफरेंस, इस पे आना है, इस पे आपको क्लिक लेना है। अब यहाँ पे देखने को मिले, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो है हाई वीडियो क्वालिटी इस तरह से देखने को मिलेगा, ऑटो ऑप्शन का आपको देखने को मिलेगा। सो हो सकता है कि आप में फर्स्ट वाला पे या फिर सेकंड वाला पे आपका फोन पे जो है टिक लगा हो रही, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने को मिला डाटा सेवर का ऑप्शन नीचे की ओर, बस इस पे आना है, क्लिक कर लेना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर आपके आओगे यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, जैसे कि ये हो गया मोबाइल डाटा से आप जो यूज कर रहे हैं उसमें ज्यादा वीडियो क्वालिटी लेगा। ओके, सो इसलिए डाटा सेवर पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई से भी मैं यहाँ पे चलाऊं, वाईफाई को बचा के चलाऊं, सो इसलिए हाई परफॉर्मेंस वीडियो क्वालिटी पे दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, डाटा सेवर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि वाईफाई से करो या फिर फोन के डाटा से यूज करो, उससे बहुत कम नेट एमबी जो यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पे आना है, क्लिक लेना है। कोई भी वीडियो वीडियो आप जो है डाउनलोड करते हैं सो बहुत ज्यादा नेट एमबी यहाँ पे ले लेता है। सो इस हाल में आपको क्या करना है, डाउनलोड क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आना है, क्लिक लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं आस्क ईच टाइम, अगर इस पे टिक लगा रहे तो क्या होगा, डाउनलोड करते वक्त आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितना क्वालिटी का आपको लेना है। सो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मीडियम में या फिर लो पे भी आपको सिलेक्ट करके रखना है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर नेट एमबी बचाना चाहते हैं सो आस्क ईच टाइम पे क्लिक करके देखिए, इससे क्या होगा जैसे आप डाउनलोड करने जाओगे सो वहां पे जो है ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन किया हुआ, यानी कौन सा क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देख के वो जो है डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है नॉर्मल क्वालिटी में
कर एक वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो मीडियम पे आपको क्लिक करना है या फिर लो पे आपको क्लिक कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे तो ये हो गया कि यूट्यूब का ये सब पूरा सेटिंग है, जैसे कि आप जो है नेट एमबी को यहाँ पे बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सेटिंग रहता है जो आपको फोन पे करना होता है। फोन पे ये सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है बस इस पे आना है, क्लिक कर लेना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डाटा सेविंग, इस तरह करके आपको सर्च कर लेना है। ओके फर्स्ट वाला पे नहीं, यहाँ पे लोगो देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन के लिए, तो उस पर आपको शेयर करने करना है। नीचे की ओर डाटा सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस तरह से देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर आपको देखने को मिला डाटा सेविंग का ऑप्शन, इस पर आना है, क्लिक कर लेना है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो सब यूट्यूब का पूरा जो सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, फोन पे ये जो सेटिंग है इसे आपको ऑन कर देना है, टर्न ऑन कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि ऊपर की ओर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो इससे गाइस बहुत यहाँ पे डाटा जो है नेट एमबी यहाँ पे बचने लगा। अगर बहुत ज्यादा आपको फोन पे नेट एमबी यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है, वीडियो प्ले करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सो आपको ये सेटिंग जरूर ऑन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि नेट एमबी बहुत ज्यादा यहाँ पे बचने लगेगा। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके डिवाइस में आप कमेंट कीजिए, उससे मैं जरूर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे।